यहां पे हमने दो स्क्वायर पीस लिए हैं फैब्रिक के, कोई भी दो फैब्रिक के टुकड़े हमें लेने हैं। इन पीसेस का मेजरमेंट है 9 इंचेस बाय 9 इंचेस, क्योंकि ये स्क्वायर पीस है तो चारों साइड से हमारा ये 9 इंचेस का ही मेजरमेंट है। अब हमें यहाँ पे दोनों साइड्स एक तरफ रखनी है फैब्रिक की, दोनों सीधी साइड्स एक साथ रखनी है, और यहाँ पे हमें देखिए एक एक सेंटीमीटर आधा इंच से थोड़ा कम इतना मेजरमेंट लेके दोनों को एक साथ जोड़ना है, और यहाँ पे हमें इतना गैप छोड़ना है एक तरफ। और यहां से सिलाई करते वक्त हम यहां से शुरू करेंगे, फिर यहां से यहां तक, और यहां से इस तरह, और पूरा यहां तक हमें जोड़ना है। देखिए यहां से भी हमने सिलाई कर दी है और चारों ओर से मैंने सिलाई कर दी है। मैं एक बात बोलना भूल गई कि इस फैब्रिक पे मैंने पेपर कैनवास या फ्यूजिंग कैनवास चिपकाया है, जो आपको टेलरिंग मटेरियल की शॉप में आसानी से मिल जाएगा। अब साइड से हमें ट्रिम करके इन दोनों साइड्स को सीधा करना है। यहाँ पे जो हमने गैप छोड़ा है वहां से हम इसे सीधा करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई करने का फायदा ये हमें हुआ कि ये जो पीस है वो अपने आप अच्छे से अंदर मुड़ गया है, हमें ज्यादा उसमें फिनिशिंग करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से मैंने सीधा करके उसे आयरनिंग कर दिया है। अब यहाँ पे जो हमारा गैप है उसमें से हम देखिए, इतना मैंने एक रबर शीट काट लिया है, अब मैं ये रबर शीट इसमें इंसर्ट करूंगी। देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से उसमें रबर शीट इंसर्ट कर ली। अगर आपको रबर शीट नहीं अवेलेबल है तो आप इसमें कार्डबोर्ड का टुकड़ा डाल सकते हैं, या बकरम का पीस डाल सकते हैं, या गेहूं की बोरी रहती है, राइस गेहूं की बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है वो आप इसके अंदर स्टिफनेस के लिए डाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पे चारों ओर से उसे एक दाग सिलाई करके लेनी है। देखिए इस तरह से मैंने साइड से दाग सिलाई भी दोनों पीसेस को कर दी है। अब हर एक कॉर्नर से हमें 3-3 इंचेस पे मार्किंग करके लेना है। ये देखिए यहां पे मैंने 3-3 इंचेस की मार्किंग कर दी है। ये जो डिस्टेंस है वो आप कम ज्यादा अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। अब ये साइड जो है वो मुझे अंदर की तरफ चाहिए, तो इसके लिए मैं इस तरह से उसे फोल्ड करूंगी, और ये दोनों मार्किंग मैच करनी है हमें, और हर एक पॉइंट पे हम उसे हाथ सिलाई करके इस तरह से। इस तरह से मैंने पॉइंट जहां पे हमने 3-3 इंचेस की मार्किंग की थी वहां पे सिर्फ ऊपर की तरफ पॉइंट पे सिल दिया है। इसी तरह से हमारे ये बाकी के कॉर्नर्स भी हमें सिल लेने हैं। तो ये हमारा उसका एंड रिजल्ट है। तो यहां पे हमने इस तरह से चारों कॉर्नर्स को सिल दिया है। अब इस ये जो हमारी बास्केट है इसे हमें उल्टा करके लेना है। इस तरह से, और इस तरह से, और हमें इसे इस तरह बाहर की ओर फैला लेना है। तो आपको जितना बाहर की तरफ वो चाहिए उतना आपको उसे खींच के एडजस्ट करना है इस तरह से, और ये सीधी लाइन में, और इस तरह से हम उसे फोल्ड करेंगे।
देखिए अब जहां पे हमने पिंस लगाई है उसे मैं निकाल दूंगी और यहां पे मैं उसे हैंड स्टिच करके इस तरह से और चारों कॉर्नर्स हमें इसी तरह से ये जहां पे हमने पिंस लगाई है वहां पे इस तरह से स्टिच कर देने हैं। देखिए ये हमने चारों कॉर्नर्स सिल दिए हैं यहाँ पे। अब हम उस पे एक पॉम्पॉम बॉल चिपका लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने उसे पॉम्पॉम बॉल्स बाहर से चिपका दिए हैं और ये दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और छोटा सा प्लांट लगा के भी आप इसे होम डेकोरेशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो किसी को गिफ्ट करने के लिए भी ये एकदम बहुत प्यारा सा गिफ्ट है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।